lives. मैं यहां पे लिख देता हूं रिटर्न करेगा ये एक बी और मैं यहां पे लिख देता हूं इसी में ही रिटर्न कर देता हूं कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट और इसके लिए भी नेम स्पेस चाहिए ये हमने एक सिंपल कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कर्ड ऑपरेशन के लिए मेरे अभी दूसरा पब्लिक एक्शन मेथड क्रिएट करूंगा क्रिएट के लिए और मैं इसको पास कर देता हूं स्टूडेंट और ये रिटर्न करेंगे क्यू यहां पे अब रिटर्न करने की पास करने की कोई जरूरत नहीं है सिंपल एक रिटर्न क्रिएट मेथड होगा और ये इसको मैं ले लेता हूं कि ये HTTP सेम वही जो MVC 5 में हमने कर्ड ऑपरेशन के लिए जिस तरीके से एक्शन मेथड क्रिएट किए थे उसी तरीके से इसके लिए भी करेंगे सिर्फ थोड़ा सा इसमें I का इजाफा है और दूसरा मैं क्रिएट करूंगा HTTP पोस्ट और ये हो जाएगा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट और मैं इसको स्टूडेंट मॉडल पास कर देता हूं एक ऑब्जेक्ट इसका और मैं इसके लिए भी नेम स्पेस क्योंकि ये यहां पे हमारे प्रोजेक्ट मॉडल में है तो अब ये एरर नहीं आएगा अब ये कर देता हूं रिटर्न करेगा ये भी एक भी मैं लिख देता हूं कि एफ मॉडल स्टेट स्टेट इज वैलिड क्या करें कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड कर दे स्टूडेंट डॉट ऐड मॉडल ऐड करते और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस और रिटर्न करते इसको रीडायरेक्ट कर दे रीडायरेक्ट टू आप इसको इंडेक्स में ले लें और इंडेक्स स्टूडेंट कंट्रोलर में क्योंकि हमारे पास होम कंट्रोलर भी है तो वो उधर नहीं बल्कि स्टूडेंट वाले कंट्रोलर में इसको रिटर्न कर दें और
हेल्थ केयर करें, क्रिएट का हो गया। अभी इसके बाद एडिट का हमने बनाना है और एडिट के लिए HTTP गेट यूजर पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एडिट अपडेट कर देता हूँ इसको अपडेट रिटर्न करेगा व्यू और इसको मैं पास करूंगा एक आईडी एंड आईडी ये करेगा कंटेक्स्ट स्टूडेंट एसटीडी इज इक्वल टू कंटेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड आईडी तो ये इसमें रिटर्न कर देगा और ये एसटीडी मैं इसमें रिटर्न करूंगा और इसको मैं सेव कर लेता हूं। और यहां पे इसके लिए एक HTTP पोस्ट मेथड क्रिएट करना पड़ेगा पब्लिक एक्शन रिजल्ट और इसको पास करूंगा एक आईडी और दूसरा मैं पास करूंगा इसको स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट और ये रिटर्न करेगा एक व्यू। मैंने इधर एक कंडीशन लगानी है कि उससे पहले मैं एक वेरिएबल एसटीडी बना दू और इसमें लिख दू कंटेक्स्ट आर्ट स्टूडेंट इसको फाइंड कर लेता हूँ पहले मैं equal to HTTP not equal to null if model state not as valid क्या करें यहां पे कंटेक्ट डॉट एंट्री
STD dot current AD dot set dot model. सेव चेंजेस कर दें और इसको रिटर्न कर दें, रीडायरेक्ट कर लेते हैं इसको इंडेक्स में और इंडेक्स भी